अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रीजर ऑफ नॉलेज थर्ड ट्रेडिशन में हमने जो इंग्लिश क्लास 5 के एमसीक्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, इस हवाले से हमारे साथ आज टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के हवाले से आज हम अहम एमसीक्यूज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ प्रीपोजिशन की तारीफ है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, यानी प्रीपोजिशन जो होता है ये एक लफ्ज़ होता है यूज जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू लिंक नाउन्स के, नाउन्स जो होता है उनको लिंक किया जा सके, प्रोनाउन को लिंक किया जा सके, टू शो प्लेस जगह को शो कर सके यानी पोजीशन को शो कर सके, टाइम को शो कर सके, आर्मिथड या तरीके को शो कर सके। प्रीपोजिशन आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स, ये मुख्तसर अल्फाज होते हैं एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन्स, और अमूमन ये नॉर्मली तौर पर रखे जाते हैं या लिखे जाते हैं डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन्स किसी भी इसम के सामने या उससे पहले। ठीक है, तो हमारे साथ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है, एक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इस हवाले से आज हम एमसीक्यूज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होता है शो, ये शो करता है द रिलेशनशिप, ताल्लुक को ऑफ टाइम, टाइम का बिटवीन द नाउन्स, नाउन्स के साथ, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, एक सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ। तो हमारे साथ है आन है, एट है, एन है, फ्राम है, टू है, फार है, सिंस है, अगो है, बिफोर, टिल, अनटिल, यानी ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स कहलाते हैं। अब एट जो होता है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होता है इसमें हम एट लगाते हैं, मिसाल एट 3 o'clock, 8:10 AM, ठीक है, 8 noon, 8 dinner टाइम, 8 bed time, 8 sunrise, 8 sunset, 8 the moment। इन जो होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं मंथ के लिए, ठीक है, और इसके अलावा ईयर्स के लिए, सेंचुरीज के लिए और लॉन्ग पीरियड्स के लिए हम इन लगाते हैं, ठीक है, इन मई, इन समर, इन द समर, इन 1990, इन द 19th century, ठीक है, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट फ्यूचर, ठीक है। और आन जो होता है वो हम डेज के लिए इस्तेमाल करते हैं और डेट के लिए, ठीक है, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 दिसंबर 2010, ऑन क्रिसमस डे, ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ऑन माय बर्थडे, ऑन न्यू यॉन, न्यू ईयर्स, न्यू वगैरह, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम था, इस हवाले से अहम पॉइंट आपने याद रखने हैं। एट जो होता है ये प्रीसाइज ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया है यानी मुकर्रर वक्त के लिए, 8:03 o'clock, 8:10 o'clock, ठीक है। अच्छा, इन जो होता है ये मंथ के लिए इस्तेमाल होता है, ईयर्स के लिए, सेंचुरीज के लिए और लॉन्ग पीरियड्स के लिए इस्तेमाल होता है। आन जो होता है ये डेज के लिए इस्तेमाल होता है और डेट के लिए, यानी डेज यहाँ पे संडे, ट्यूसडे और डेट के लिए, यानी 6 मार्च, यानी 25 दिसंबर, ठीक है, ये सारे बर्थडे, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम इस हवाले से अहम एमसीक्यूज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।